21 जून को ही केमिस्ट उमेश कोले की हत्या का अब जाकर बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआईएस स्टाइल में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पूरे देश में सनसनी मच गई। वहीं इस हत्याकांड को लेकर कैसे अंजाम दिया गया था, इस रिपोर्ट में देखिए। इक्कीस जून को अमरावती में दवा कारोबारी की घर जाते समय गला रेत कर हत्या कर दी जाती है और पुलिस कहती है कि ये लूट का मामला है और पांच दिनों तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। घर वाले बार बार ये कहते रहे कि मृतक उमेश ने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डाला था, इसलिए उनकी हत्या की गई, लेकिन पुलिस वालों ने घर वालों की एक ना सुनी। इसी बीच सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें साफ दिख रहा है कि लुटेरों ने पैसों से भरा बैग छुआ तक नहीं, बल्कि दवा कारोबारी को रोका और उनका गला काट कर चलते बने। अब जब महाराष्ट्र में सरकार बदली तो इस हत्याकांड का कट्टरपंथी कनेक्शन सामने आया। उमेश कोल्ले मर्डर केस है, उसमें हमने अभी तक 6 विक्रम सैली डीपी डीसीपी के दौरान हमें प्राइमा फेसी उदयपुर के कनियालाल हत्याकांड की तरह ही अमरावती के केमिस्ट उमेश कोले की हत्या की जांच एनआईए कर रही है। आतंकी एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आखिर अब तक इस जांच में कितना सच सामने आ पाया है, यानी कि हत्या को लेकर क्या कुछ कनेक्शन सामने आया है, इसी वजह से इस रिपोर्ट में देखिए। अभी तक 6 एक्यूज को अरेस्ट किया है। चलिए आपको 10 पॉइंट्स में समझाते हैं कि इस हत्याकांड को हत्यारों ने कैसे अंजाम दिया। 21 जून को रात करीब 10:30 बजे उमेश अपनी दुकान बंद कर दोपहिया वाहन से घर जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने उन्हें रोक लिया। मोटरसाइकिल से उतरे एक युवक ने कोले के गले में धारदार हथियार से वार कर दिया। कोले ने बाद में दम तोड़ दिया। हमलावर बिना कोई कीमती सामान या उसका मोबाइल फोन लिए भाग गए। पीड़ित के भाई महेश ने बताया कि कोले के पास दो बैग थे, जिनमें से एक में 35,000 रुपए थे, जिसे हमलावरों ने छुआ तक नहीं। पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड इरफान खान, जो एक एनजीओ चलाता है, यूसुफ खान, जो एक पशु चिकित्सक है, मुदस्सर अहमद शेख इब्राहिम, शाहरुख पठान खान, अब्दुल तौफीक तस्लीम, शोएन खान और अतीफ रशीद। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किए चाकू को जब्त कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद है। मुदस्सर और शाहरुख, जो सीसीटीवी फुटेज में रैकी करते हुए नजर आए थे, उन्हें 23 जून को गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल और शोएब को अगले दिन और राशिद को 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। शनिवार को यूसुफ खान और इरफान खान को गिरफ्तार किया गया। अब्दुल को छोड़कर सभी का कोई अपराध या अपराध रिकॉर्ड नहीं है। अब्दुल पर पहले एक मस्जिद में झड़प का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि कोले ने नुपुर शर्मा के समर्थन में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक पोस्ट शेयर किया था। कोले का परिवार भी नुपुर शर्मा के समर्थन में उनके सोशल मीडिया पर आगे आने का दावा करता है और लव जिहाद की निंदा भी करता है। 21 जून की रात को भैया हमेशा की तरह अपनी दुकान बंद करके घर पे जा रहे थे। घर पे जाते टाइम जिस रास्ते से वो जाते थे, वो दुकान के बाजू से एक गली है छोटी, उसमें से निकलते थे। उस दिन रात को कोई लोग उनका वेट कर रहे थे वहाँ पे, जो आए और उन्हें चाकू घोप के वो चले गए। मुझे फ़ोन आया कि उन्हें किसी ने चाकू मार दिया है, तो मैंने जाके देखा तो उनके लेफ्ट साइड में यहाँ पे किसी ने चाकू मार दिया था और वो उनकी डेथ हो चुकी थी। भैया के कुछ मैसेजेस थे नुपुर शर्मा के बारे में, जो उन्होंने एक जनरल, जैसे हम किसी को भी फॉरवर्ड करते हैं, वैसे कुछ ग्रुप्स में उन्होंने ग्रुप में फॉरवर्ड किए थे। लेकिन अब इतने छोटे से 2-4 फॉरवर्ड से एकदम से जानलेवा हमला होना, ये अभी भी हम नहीं समझ पा रहे। काफ़ी दिन हो चुके हैं, एक्चुअली 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने भी अभी तक के हमें कोई
कारण नहीं बताया कि इसका कारण क्या हो सकता है। राजस्थान में जो घटना हुई है वैसी ही घटना अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या करके की गई है, और उमेश कोल्हे ने कुछ पोस्ट वायरल की गई थी, नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था और उसके लिए उसकी हत्या हुई, ऐसे उनके पहचानने वालों का कयास है। तथा अमरावती में 10 लोगों को नुपुर शर्मा की पोस्ट वायरल करने के लिए उनको थ्रेट किया गया है, धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है। उमेश कोल्हे की हत्या को अब तक पुलिस सामान्य हत्या बता रही थी, लेकिन जब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और शिंदे के समर्थन में बीजेपी वाली सरकार बनने की राह पर थी, तब जाकर हत्याकांड का कट्टरपंथी कनेक्शन सामने आया। क्या इससे पहले उद्धव की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के दबाव में और मुस्लिम तुष्टिकरण की वजह से पुलिस मामले में लीपा पोती कर रही थी, ये तो अब NIA की जांच के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।